केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समय की जरूरत बताया है कि धुरवा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अरुणोदय पत्रिका के विमोचन और शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्कूल और स्किल को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि स्कूल छोड़ चुके बच्चों और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें रोजगार उन्मुखी बनाया जा सके। मेडिकल की पढ़ाई जो मातृभाषा में करने की बात हुई है उसमें भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई लगभग 13 भाषाओं में अभी कुछ पायलट कॉलेजों में कुछ पायलट प्रदेशों पे वो किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये हम सबकी इच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम सब 2023-24 तक पूरी तरह से लागू करें। समारोह में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर यदुनाथ पांडे ने कहा कि आदिकाल से भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से सृजन होता है। श्री पांडे ने कहा कि हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। देखिए गुरु की महिमा, हमारे गुरुओं ने जो किताब रामायण लिखा, रामसेतु का वर्णन, उसमें लोगों ने कहा कि काल्पनिक है, लेकिन जब नासा ने कहा कि नहीं राम सेतु है तो हम मानते हैं। 1950 के पहले नासा तो नहीं था, लेकिन सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, एक एक घंटा एक एक पल का अगर कैलकुलेशन है तो हमारा पंचांग है। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों और बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समारोह में विद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर संध्या सिंह समेत कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।